मथुरा ब्रेकिंग। मथुरा जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने चुनावों को लेकर पांचों विधानसभाओं के बारे में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देखिए प्रेस वार्ता में क्या महत्वपूर्ण जानकारी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दी गई। पोलिंग बूथ का जो कास्टिंग भी अब की बार कराई जा रही है, साथ ही साथ जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग सेंटर या पोलिंग बूथ रहेंगे वहाँ पर विभिन्न अन्य व्यवस्थाएं भी कराई जाएंगी। पोलिंग कुल मिलाकर 313 अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं पोलिंग सेंटर्स और 710 बूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं और इनका जो लगातार जो सुपरविजन है या इनका लगातार जो आकलन है वो हमारे SDM CO जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है और हमारे और कप्तान साहब के द्वारा भी किया जा रहा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो सतर्कता रखने वाले बूथ्स हैं या सेंटर्स हैं वहाँ पर विभिन्न व्यवस्थाएं जैसे कि वेबकास्टिंग, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की उपलब्धता, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, वीडियोग्राफी की व्यवस्था, इन सभी को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स कथित स्थानों पर लगाए जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी से भयमुक्त वातावरण में और बड़े ही पारदर्शिता के साथ स्वच्छ वातावरण में चुनाव जनपद मथुरा में कराए गए। इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, आवश्यक भारत निर्वाचन आयोग के और कोविड प्रोटोकॉल जिसको सभी कैंडिडेट्स को सभी निर्वाचक सभी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना है उस संबंध में जानकारी दी गई और आज यही सूचना आप लोगों के साथ भी साझा की। सर इस ऐप के जरिए कार्रवाई होगी, कौन सी ऐप है, क्या है? एक सी विजिल ऐप है और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारे जनपद की जनता को भी इसकी जानकारी दी जाए। प्ले स्टोर से बड़े आसानी से सी विजिल ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है और कहीं पर भी यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उसका फोटो या वीडियो टैग करके आप उस ऐप के अंदर एक कंप्लेंट कर सकते हैं और 100 मिनट के अंदर उस जो भी कंप्लेंट आएगी उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स लगातार उस ऐप को से जुड़े हुए रहते हैं और जो भी कंप्लेंट उस सी विजिल ऐप से आती है उस पर कार्रवाई तत्काल की जाती है। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो जनपदवासी हैं वो इस ऐप को डाउनलोड करें और अधिक से अधिक प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त भी एक बड़ा आसान नंबर है 1950, इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी हमारे जो जनपदवासी हैं या कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी कोई शिकायत है या कोई सुझाव है या कोई समस्या है वो शेयर कर सकता है और उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। कितने प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? जनपद में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में सभी हमारी जो पांचों विधानसभा हैं उसमें केसेस आए हैं और केसेस के संबंध में जो आवश्यक विधि कार्रवाई है वो की गई है। लगभग 20 के आसपास जो FIR हैं वो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के केस में सभी पांचों विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलाकर अब तक की गई है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होना या फिर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होना इस संबंध में जो भी जानकारियां और जैसी जैसी सूचना प्राप्त हुई उस संबंध में कार्रवाई की गई। आज 27 तारीख को क्योंकि नाम वापसी का आखिरी दिन था तो आज सभी हमारी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जनपद मथुरा में 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है सभी जगह पर कैंडिडेट साइनिंग हो गए हैं। इस समय पर छाता में 12 कैंडिडेट्स हैं हमारे, माट में 9 हैं, गोवर्धन में 13, मथुरा में 15 और बलदेव में 6। तो ये जो फाइनलाइज हो गए हैं किसी कैंडिडेट्स तो सभी के साथ और हमारे जो आदरणीय ऑब्जर्वर्स आए हैं भारत निर्वाचन आयोग के उन सभी के साथ एक मीटिंग की गई, उसमें सभी प्रावधान जो आदर्श आचार संहिता से संबंधित है वो सभी को बताए गए। साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर है, उससे संबंधित उनको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है इस संबंध में भी उनसे चर्चा की गई। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के संबंध में उनको बताया गया, मीटिंग्स की परमिशन इत्यादि किस प्रकार से क्योंकि वो लेते भी आ रहे हैं और आगे किस तरीके से लेनी है उसके बारे में डिस्कशन किए गए और रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ भी उनका जो तालमेल है वो बना रहे उसके लिए एक बैठक की गई थी। तो सभी चीज़ों के बारे में उनसे जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जो तैयारियां हैं वो समय समय पर जो रहती हैं वो लगातार की जा रही हैं और हमारे और कप्तान साहब के द्वारा जिले भर में भ्रमण कर की कानून व्यवस्था सुनिश्चित रहे और प्रलोभन मुक्त और भयमुक्त और बड़े ही ट्रांसपेरेंट और स्वच्छ वातावरण में जनपद मथुरा में चुनाव हो इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद को मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा देखा जाएगा और उसके लिए उन्होंने सभी बूथ का एक बार भ्रमण भी कर लिया है। सभी जो अशोर मिनिमम फैसिलिटीज हैं बूथ पर, चाहे वो शौचालय है, चाहे पानी की व्यवस्था है, फर्नीचर की व्यवस्था है, रैंप आदि की उपलब्धता है, उसको सुनिश्चित उनके द्वारा रिव्यू कराकर भी करा लिया गया है।
जनपद में 35 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 234 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 77 स्टैटिक मजिस्ट्रेट इस समय पर लगाए गए हैं। कुल 1103 पोलिंग सेंटर यानी कि मतदान केंद्र जनपद में है और 2225 पोलिंग बूथ है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे को 50% से अधिक पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग इस बार करानी है, तो 1119 पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग भी अगली बार कराई जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग सेंटर या पोलिंग बूथ रहेंगे वहां पर विभिन्न अन्य व्यवस्थाएं भी कराई जाएंगी। पोलिंग कुल मिलाकर 313 अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं पोलिंग सेंटर्स और 710 बूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं और इनका जो लगातार जो सुपरविजन है या इनका लगातार जो आकलन है वो हमारे SDM PO जो हमारे